हरियाणा में पूर्व मंत्री और बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रामबिलास शर्मा को ही अपनी खुद की टिकट कटने का खतरा सता रहा है। रामबिलास शर्मा महेंद्रगढ़ सीट से मजबूत दावेदार होने के बावजूद पार्टी ने इस सीट पर पहली लिस्ट में प्रत्याशी की घोषणा करने की बजाय होल्ड कर दी। रामबिलास शर्मा की तरफ से सोशल मीडिया पर एक पोस्ट जारी कर जानकारी दी गई कि 6 सितंबर को दोपहर 12 बजे जयराम सदन महाराणा प्रताप चौक पर रामबिलास शर्मा आगामी चुनाव के लिए अपने सभी कार्यकर्ताओं परिवार के सदस्यों के साथ जरूरी बैठक लेंगे। बता दें कि रामबिलास शर्मा हरियाणा बीजेपी के सीनियर नेताओं में से एक हैं। पार्टी के बुरे दौर में भी शर्मा 4 बार विधायक चुने गए। उनके साथ ही पूर्व गृह मंत्री अनिल विज को 67 प्रत्याशियों की पहली सूची में अंबाला कैंट सीट से टिकट मिल चुकी है, लेकिन रामबिलास शर्मा का इस सूची में नाम नहीं है। महेंद्रगढ़ सीट पर इस बार बदलाव की चर्चा ज्यादा है। रामबिलास शर्मा 1991 और 2013 में 2 बार पार्टी के अध्यक्ष रहने के साथ ही 5 बार MLA बने हैं। 2014 में रामबिलास शर्मा के पार्टी प्रदेशाध्यक्ष रहते हुए ही बीजेपी ने पहली बार हरियाणा में अपने दम पर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी। उस वक्त रामबिलास शर्मा सीएम पद की रेस में सबसे आगे थे, लेकिन पार्टी ने उनकी दावेदारी को दरकिनार करते हुए मनोहर लाल खट्टर को सीएम बनाया था। हालांकि वह मनोहर लाल खट्टर की सरकार में दूसरे सबसे पावरफुल मंत्री थे। 2019 के चुनाव में वह महेंद्रगढ़ सीट से कांग्रेस के रावदान सिंह से हार गए। रामबिलास शर्मा की उम्र भी काफी ज्यादा हो गई है, ऐसे में वह इस बार खुद या बेटे गौतम शर्मा के लिए टिकट की दावेदारी कर रहे थे, लेकिन पार्टी किसी दूसरे चेहरे को टिकट देने पर विचार कर रही है। इसी संभावना के बीच टिकट की घोषणा से पहले रामबिलास शर्मा ने कार्यकर्ताओं की मीटिंग बुला ली है। बीजेपी ने अभी महेंद्रगढ़ के अलावा नारनौल सीट होल्ड पर रखी हुई है। नारनौल सीट पर पूर्व मंत्री ओम प्रकाश यादव दावेदार हैं। यादव केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह के करीबी हैं। राव की सिफारिश पर ही उन्हें 2 चुनावों में न केवल टिकट मिली बल्कि वह मंत्री भी बने। अहिरवाल बेल्ट की 11 सीटों पर राव इंद्रजीत बनाम एंटी राव गुट के बीच टिकटों को लेकर काफी गहमा गहमी रही। महेंद्रगढ़ में रामबिलास शर्मा के नाम पर भी केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह को कोई आपत्ति नहीं है। बावजूद इसके इस सीट पर पार्टी की तरफ से प्रत्याशी की घोषणा नहीं होना किसी बड़े फैसले की तरफ इशारा कर रही है। महेंद्रगढ़ जिले की अटेली विधानसभा सीट पर पार्टी केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह की बेटी आरती राव को टिकट दे चुकी है, जबकि नांगल चौधरी सीट पर राव के विरोधी कहे जाने वाले नायब सैनी सरकार में राज्य मंत्री डॉक्टर अभय सिंह यादव को 3री बार चुनावी मैदान में उतारा गया है। रामबिलास शर्मा के पार्टी में लंबे समय से सक्रियता के बावजूद पार्टी के उनके टिकट देने पर सकुचाने पर आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट सेक्शन के जरिए बताइए। इसके साथ ही हमें बताइए कि आपके अनुसार अगर रामबिलास शर्मा को महेंद्रगढ़ विधानसभा सीट से टिकट नहीं मिलती है तो पार्टी की तरफ से किसको टिकट मिलने की संभावना है। और ऐसी ही महत्वपूर्ण खबरों के साथ अपडेटेड रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए इंडिया न्यूज़ पॉइंट को।